उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में एक ऋषभ नाम का 7 साल का लड़का रहता था। वह अच्छे घराने का था। उसका घर भी बहुत बड़ा था। वो हर दिन स्कूल से आने के बाद अपने घर के बगीचे में जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलता था। बगीचा बड़ा होने के कारण उसमें ढेर सारे तरह तरह के फूल लगे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ ढेर सारी तितलियाँ आती थी। एक दिन ऋषभ और उसके दोस्त क्रिकेट खेलते खेलते बोर हो गए थे, तो वह जाकर बेंच पर बैठ गए थे। बैठे बैठे ऋषभ के दोस्त अर्नब ने देखा कि बगीचे में ढेर सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, तो ऋषभ और उसके दोस्तों ने तय किया कि वह लोग तितलियाँ पकड़ेंगे और उन्हें इकट्ठा करेंगे, और अंत में जिसने सबसे ज़्यादा तितलियाँ पकड़ी होंगी वह विजेता होगा। फिर सभी बच्चे तितलियाँ पकड़ने में लग जाते हैं। इसके कारण कुछ तितलियाँ मर जाती हैं, कुछ तितलियों के पंख फट जाते हैं और कुछ तितलियाँ डब्बों में बंद होकर तड़प रही होती हैं। इसी बीच ऋषभ की मम्मी बच्चों को देखने बगीचे में आती हैं और देखती हैं कि बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं। फिर उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और बताया कि उन्हें तितलियों को इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को समझाया कि तितलियाँ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत छोटे से अंडे के रूप में करती हैं और फिर वह ककून में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर वह ककून से बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल हम जैसे छोटे बच्चों की तरह। सभी तितलियों के 4 पंख अलग अलग स्वरूप और रंग के होते हैं, जो उन्हें दिखने में खूबसूरत और दिलचस्प बनाते हैं। पर तितलियाँ बहुत ही नाजुक होती हैं। यदि कोई इन्हें कसकर पकड़ ले तो इनके पंख फट जाते हैं या फिर यह मर जाती हैं। तो बताओ बच्चों, इस तरह तितलियों को पकड़ना क्या सही बात है? तुम जाने अनजाने इनको पकड़कर इन्हें घायल कर रहे हो। बच्चों ने जब यह बात जानी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने वादा किया कि अब से इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसके बाद सभी बच्चों ने डिब्बों में बंद तितलियों को आज़ाद कर दिया और अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं को तंग नहीं करना चाहिए। जीव जंतु इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।